हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यास चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को और जानेंगे कौन कौन से कॉलेज में इस वैकेंसीज को निकाला गया है। तो अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला जो नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो है क्रिस्टू जयंती कॉलेज, जो कि ऑटोनोमस कॉलेज और ये सिचुएटेड है बेंगलुरु में, और जो ये एफिलेटेड है वो है बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट जो है सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है, चाहे वो कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स। तो देख लेते हैं आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपना मास्टर किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है वो है एज पर यूनिवर्सिटी और AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब अगर आपने PhD किया है, आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे आपको जो एक लाइक प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अब अभी नोटिफिकेशन आया है, उसके 7 डेज के अंदर आपको जो है ये जो है लाइक अप्लाई करना है। तो आपको जो है जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर लें। तो अगर आपको अपना CV यहाँ पे सेंड करना है, साथ ही साथ आपको अपना जो नेट या PhD का सर्टिफिकेट वो सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप जो है सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ईमेल ID वो मेंशन कर रखा है इन्होंने, career@kistujayanti.com। तो यहाँ पे आपको जो है अपना सॉफ्ट कॉपी सेंड करना है CV अलॉन्ग विद योर लाइक ऑल द लाइक टेस्टिमोनियल्स एंड योर लाइक नेट और गेट सर्टिफिकेट और PhD सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अब हम बात करें दूसरी वैकेंसी की। तो दूसरी जो वैकेंसी निकाली गई है वो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वो गेस्ट फैकल्टी के लिए है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, ये वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो आप ये देख सकते हैं, ये तो नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को निकाला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ऑपरेशन रिसर्च के लिए जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वैकेंसी भी मैंसन कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल बॉटनी के लिए 4, केमिस्ट्री के लिए 2, ऐसे करके आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैंसन कर रखे हैं उनके लिए वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। अब यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी ये गेस्ट फैकल्टी है, तो यहाँ पे जो है आपको कोई भी परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली गई है, तो ये जो है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप जो जो टीचर जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी जो है यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है रिटायर्ड टीचर के लिए। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो रहेगी एज पर UGC रेगुलेशंस, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी वो भी UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है यहाँ पे ऐसे एज अ गेस्ट फैकल्टी अप्लाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए कॉलेज में, तो आप जो है अपना एप्लीकेशन जो है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको देना है, जो कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी दे रखा है। तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसे आपको अटैच कर देना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि नेट, गेट का सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास PhD डिग्री है तो उसका सर्टिफिकेट, तो वो सब जो है आपको अपने एप्लीकेशन के साथ सेंड कर देना है बाई 29 दिसंबर एट लाइक 5 PM, ठीक है। तो ये जो है एक लाइक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।